वंश वृद्धि करने की जो ताकत है ना वो गाय के अंदर। हमारे यहाँ तीन बार गायों के दान की विशेषता है, ध्यान से सुने। पहला, जब हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है, नंद बाबा के कृष्ण भगवान आए दान दिया कि नहीं, पर आप लोगों के यहाँ बच्चा पोता धोता जन्म लेते हैं, आप महाराज 2 लाख रुपए सेजेरियन डॉक्टर को देते, बड़े खुश होते, हमारे नूह के यहाँ पर सेजेरियन बेटा हुआ, बेटी हुई, वहां आपको दर्द नहीं हुआ, आपने फिर पार्टी किया उसका, लोगों को खाना खिलाया, वहां आपको कष्ट नहीं हुआ, पर नामकरण संस्कार करने पंडित जी आए तो बड़ा कष्ट हुआ। और महाराज जो बच्चे के अंदर जो कहते हैं ना, कई बच्चे हमारे घर में जन्म लेकर आए हमारे को बड़ी उन्नति हो गई है, कई बच्चे जन्म लेके आए हमारा सब खत्म हो गया है, वो जन्म का पूर्व जन्म का दोष है। कोई भी बच्चा किसी के घर में जन्मे, उन सभी दोषों के निवारण के लिए प्रत्येक माता पिता को गौदान करना चाहिए। अब दूसरा दान, आपने देखा होगा विवाह के समय भी, जब राम जी का विवाह हुआ था तो जनकपुर वालों ने भी गौदान किया था, दशरथ जी ने भी गौदान किया था, और आज भी शायद विवाह जब होता है तो वहां गौदान होता है, पर आजकल तो महाराज 500-700 में गैया दे देते हैं पंडित जी को, 100 रुपए में बताओ, हमारे पंडित जी 100 में, अब 100 रुपया में तो गैया को एक बार ना, ये अपराध है, ये अश्रद्धा है। हमने लाखों रुपए जब दुनिया को दिखाने के लिए विवाह में खर्च किया, करोड़ों किया, इतना तो मुझे लग रहा है कि शादियों में झूठा खाना फेंक जाता। आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ लिख रखी है ना, मैं बड़ा उससे प्रभावित हुआ, एक अन्न का दाना भूखे व्यक्ति की जिंदगी बचा सकता है, पर अगर झिके व्यक्ति के द्वारा एक अन्न का दाना फेंका जाए, गाय पशु खाएगी तो वह बीमार होगा, गरीब खाएगा वो बीमार होगा, पक्षी खाएगा वो बीमार होगा, आपके द्वारा छोड़ा हुआ एक कण झूठा किसी की जिंदगी ले सकता है, पर अगर तुमने वो किसी को खिला दिया तो जिंदगी दे सकता है। खाओ, कल हम लंगर में ज्वाला जी में प्रसाद पा रहे तो वहां बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, खाओ छोड़ो ना कनवर, छोड़ो ना कनवर, खाओ मनवर, यही था ना, आपने भी पढ़ा होगा। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है, भले आप एक मन खाओ, मन भर के खाओ, पर एक दाना चावल का, एक रोटी का टुकड़ा कभी हमें झूठा नहीं छोड़ना और फेंकना चाहिए। आपने एक और अच्छी बात बोल, भंडारे लंगर में आप भोजन ले जाओ, पॉलिथीन थैली में ना ले जाओ, टिफिन लाओ, थाली लाओ, पात्र लाओ। तीसरा और शब्द लिखा हुआ है कि उतना ले जाओ जितना खाओ, गंदी नाली में अन्न भगवान का अपमान ना हो। ये बहुत अच्छी बात। हम लोग क्या होता है, प्राय भंडारों में जाते हैं और भर के ले जाते हैं, खाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो नाली में अन्न को हम उड़ेल देते हैं। ये महा अपराध है। जो ऐसा करने वाला गरुण पुराण में लिखा है, वह व्यक्ति कौन होता है पता है, उल्टा लटकने वाला पक्षी उर्दमुख होता है, जिसके मुंह से मल और मूत्र दोनों निकलता, उल्टा लटका रहता, चमगादड़ है, समझ लो, देखा है ना। जो व्यक्ति झूठा छोड़ता है तो निर्धन होता है और फिर वो चमगादड़ भी होता है। कभी भी अपनी आदत भी सुधारें, अपने परिवार की आदत भी सुधारें, आदत सुधारें, बच्चों की आदत भी सुधारें, ना झूठा छोड़ें, ना झूठा फेंकें, और ना झूठा अगर बचे तो ना लें, भोजन पात्र में उतना ही लें जितना खाया जाए। मैंने गलत तो नहीं बोला है जी, मेरी बात से अगर सहमत है तो ताली बजा दो भगवान के लिए। तो गाय का दान, दूसरा विवाह के समय कुंडली जो दोष होता, कहते ना हमारी बहू आई हमारे तो आनंद आ गया, अरे हमारे दामाद आया आनंद आ गया, अरे जब से हमारी कुड़ी आई है अरे दामाद आया हमारा तो सब, चरण वो दोष है, कुंडली का कुछ नहीं हुआ, तो उस दोष के निवारण के लिए गोदान वर और वधु पक्ष दोनों अवश्य करें, अगर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो। अब क्या होता है, संतान नहीं होती, कई बार देखा क्या, संतान ना होने के कारण पहला होता है कि जिन घर में
प्रेत पितर दोष चल रहा होता है वहां संतान नहीं होती, या गाय की हत्या होती है तो बंध्या दोष होता है संतान न होना, गाय के बछड़ू की हत्या हो गई तो मृत वर्षा दोष लगता है बेटा न होना, गाय की बछड़ी की हत्या हो गई तो काक बंध्या दोष लगता है माने लड़की ही होना लड़का नहीं होगा, और जैसे कोई गाय बछड़ू है बच्चा है आपने लात मार दी इससे महाराज श्रवत गर्भा दोष लगता है माने गर्भ में बच्चा मर जाना या कंसीव किया 10 दिन 15 दिन के बाद खत्म श्रवत गर्भ, और बंध्या दोष गाय की हत्या कर दे। इन 5 दोषों के कारण संतान नहीं होती है और इन 5 दोषों का निवारण है कि संतान न हो या होकर मर जाती हूं उनको सबसे पहले तो भागवत पारायण संपुटित पारायण होता है, ये नॉर्मल पारायण है संपुटित पारायण होता है जिसको 3 ब्राह्मण करते हैं वो भी योग्य करते सब नहीं कर सकते, भागवत पारायण करें, पारायण करने से पहले गंगा स्नान भागवत पारायण फिर गया श्राद्ध फिर काशी श्राद्ध पिंडदान करें फिर घर में आकर के गाय का दाना करें, ऐसा करने से 5 दोषों का निवारण होता है और 5 दोषों का निवारण होता है तो ध्यान रखना संतान फिर पूरी 6 ही पैदा होंगी कब नहीं होगी, ये हमारा वायदा है ठीक है। और तीसरा दान होता है बैतरणी नदी से पार जाने के लिए,